नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं कोलफील मिरर, हर पल आपके साथ। सब क्लाबे खेले आसो एक बार सबाई क्लाबे खेले आइए সবাই মিলে ভগত করে আমরা গাছ লাগাই। কেউ কিছু মাইন্ড করবেন না, আমি গাছ পাই না। আমরা সকলে 21টা গাছ লাগালাম। সাংবাদিক দাদারা আলাদা লাগাবেন, সারা ইন্ডিয়ার আলাদা লাগাবেন, শ্রমিক সংগঠন আলাদা লাগাবেন, পুলিশ প্রশাসন আলাদা লাগাবেন, ক্লাবের পক্ষ থেকে আলাদা লাগবেন। সব একটা করে গাছ লাগাই, এবং মাঝে মাঝে আছে যে গাছটা লাগাইছি তার নিরীক্ষণ করা কি বাঁচে থাকলো কিনা। ধন্যবাদ, নমস্কার। চলো স্টার্ট করুন স্যার, আপনি স্টার্ট করুন। গাছ লাগাচ্ছেন, সব হো যা রাখি বাকি থে वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी, बीसी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर फाल्गुनी मुखर्जी, हिंदी अकादमी की अध्यक्ष आसनसोल की पार्षद उमा सराफ जी, आसनसोल नगर निगम के सीनियर मेंबर मेयर इन काउंसिल पूर्ण शशि राय, मेंबर मेयर इन काउंसिल दिपेंदु भगत, आसनसोल नगर निगम की उर्दू एकेडमी की चेयरपर्सन डॉक्टर साबिरा हिना जी, के श्रीवास्तव जी को देख रहा हूँ, अन्य साहित्य से जुड़े हुए जो लोग हैं, दाहिनी ओर मैं देख रहा था हम लोगों के गुरु रवीन चंद्र सिंह जी, मेरे शिक्षा गुरु आर के एस सर, और भी जो लोग हैं। ये रिवाज बन चुका है कि जब भी किसी कार्यक्रम में हम लोग जाते हैं तो जब यही हम लोग कह के जाते हैं कि दूसरा जरूरी काम आन पड़ा है इसलिए चले जाना है, और लोग इसको महत्व से देखते नहीं, वो लोग समझते हैं कि यही इनकी आदत है। लेकिन आज सीरियसली कहना चाहूँगा कि मेरी बात हुई थी कि आज 45 मिनट तक बैठ कर उर्मिलेश जी की बातों को सुनना है आज, लेकिन सही में आज लाउदुआ मेरा जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ एक बच्ची की हत्या कर दी गई है और उसको लेकर थोड़ा टेंशन है, इसलिए जाना ही पड़ेगा। लेकिन मैंने जो हमारे मीडिया के लोग हैं उनसे कहा है कि उनके वक्तव्य को रिकॉर्डिंग करके रखें, जिससे कि हम लोग शाम को या रात को जब भी हो सुनें और उससे समृद्ध हो सकें कुछ। जैसा कि आकांक्षा ने बिल्कुल सही कहा, अपने गीत के माध्यम से कहा, और उसके पूरे गीत को मैंने निचोड़ निकाला जाए तो वो कहना चाह रही थी कि सीधे इंसान को हैवान बनाने पर तुली है दुनिया, यही उसका निचोड़ था, जो भी जिस भंगिमा में उसने ही प्रस्तुत किया। देखिए, साहित्य से जुड़े हुए जो लोग हैं उपस्थित हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप अपनी बात रखेंगे, लेकिन चूंकि हम लोग राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं तो उतनी स्पष्टता से अपनी बात को आप जैसा सुनना चाहते हैं उस ढंग से हम लोग नहीं कह पाते, लेकिन जो फीलिंग हमारे अंदर है वो 2 मिनट में आपके साथ शेयर करके विदा लेना चाहूंगा कि ये सही है कि उस समय बढ़ चुका है। एक तरफ संपन्न लोग हैं जिनके पास उनके जरूरत से बहुत ज्यादा चीजें उनके पास है, बहुत जरूरत से बहुत ज्यादा संसाधन उनके पास उपलब्ध है,
उन संसाधनों का कैसे उपयोग करना है ये उसे मालूम नहीं, उन्हें मालूम नहीं। और संसाधनों के खर्च करने के लिए जो अनैतिक उपाय हैं उसमें वो ज्यादा लिप्त रहते हैं। और एक दूसरी दुनिया है, एक दूसरा हमारा देश है, जिसके पास अपने दिनचर्या को ठीक ढंग से चलाने के लिए जिन संसाधनों की जरूरत होती है वो भी उनके पास नहीं है। और आजादी के बाद से ये लड़ाई हम लोग लड़ते आ रहे हैं, सारे लोग मिलकर लड़ते आ रहे हैं कि जिनको जिस चीज की जरूरत हो उन्हें कैसे मुहैया कराई है। और आजादी के पहले से ही विभिन्न साहित्य से जुड़े हुए लोगों ने अपने लेखनी के माध्यम से दबे हुए लोगों की आवाज को उठाने का प्रयास किया, कुचले हुए लोगों को आवाज को उठाने का प्रयास किया, दलितों के आवाज को उठाने का प्रयास किया, जमींदारों के जमींदारी प्रथा के खिलाफ, जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज को उठाने का प्रयास किया। और ये हमेशा चलता आया है, लेकिन ये हमारी विडंबना है कि ऐसे ऐसी आवाज उठाने वाले जो लेखक थे मुंशी प्रेमचंद जी या इसी धारा में अन्य जो लेखक थे, उनका जब हम लोग जन्मदिन मनाते हैं तो जिनकी आवाज उन्होंने उठाई और जिनको जिनकी आवाज को बुलंद करने के लिए उन्होंने अपने लेखनी का प्रयोग किया, उनके उनके बीच हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं, या ऐसे मामलों पर जब चर्चा होती है तो उन्हें हम अपने साथ नहीं जोड़ पाते हैं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैंने साहित्य में जो लोग हैं, मैं किसी को असम्मान करना नहीं चाहता, लेकिन ये मेरी अपनी पर्सनल फीलिंग है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि साहित्य से जुड़े हुए जो लोग भी हैं वो जब साहित्य का ज्ञान अर्जित कर लेते हैं तो जैसे घर में सोना गहना मिल जाए तो जैसे हम लोग उसको मूल्यवान समझ के, अपना संपत्ति समझ के रख लेते हैं, तो उसको भी हम लोग उसी तरह अपने तक ही सीमित रख रहे हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। या जिस फीलिंग को आपने महसूस किया, जिसके लिए ये फीलिंग है उस तक भी इसको पहुंचाया जाए, ये प्रयास हम शायद नहीं कर पाते हैं। और यही कारण है कि आज साहित्य के क्षेत्र में भी ये दुनिया या ये देश दो हिस्सों में बढ़ चुका है। एक हिस्सा है जो समाज की समस्याओं को जानता है और उसका समाधान भी जानता है, और एक ऐसा क्षेत्र है जो समाज की समस्याओं को तो जानता है, उसे फील करता है, वो प्रत्येक दिन उसे फील करता है, लेकिन उसके समाधान के का रास्ता उसके पास नहीं है। और जिसके पास रास्ता है वो ऐसे ऑडिटोरियम में बैठकर इस पर संगोष्ठियां करते हैं, बात करते हैं, आपस में चर्चा करते हैं, लेकिन जिनके लिए ये है उन तक पहुंचाने का कोई प्रयास हम लोग नहीं करते हैं। तो मेरे ख्याल से इस संगोष्ठी की या किसी भी कार्यक्रम की सार्थकता तभी होगी जब यहां से जो निकल के आएगा वो जिनके लिए है या जिन पर जिनको केंद्रित करके आज व्याख्यान रखे जाएंगे उन तक ये बातें पहुंचाई जाए। आप एक नए दवाई का आविष्कार करते हैं लेकिन जो पेशेंट है उसके पास वो दवाई नहीं पहुंच पाती और दवाई कंपनी में ही वो दवाई रह जाती है, तो इसका लाभ उस रोगी को या पेशेंट को नहीं मिलने वाला है। तो मेरा केवल आप सारे लोगों से करवट ये निवेदन है कि आज उर्मिलेश जी के माध्यम से, अन्य जो वक्त हैं उनके माध्यम से जो कुछ निकल कर आएगा, जिनके लिए ये चर्चाएं होंगी उन तक उनको कैसे पहुंचाया जाए, इसका भी कोई रास्ता यदि आप तैयार करें और उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों की भी यदि कोई भूमिका होगी, जैसी भूमिका आप निर्धारित करेंगे उस भूमिका को हम लोग भी अपने ढंग से पालन करने का प्रयास करेंगे, तभी ये जो चर्चा है ये अपना सार्थक स्वरूप ले पाएगी।